दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है और मौसम विभाग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार आज दिल्ली में बादल छाए नजर आ सकते हैं। साथ ही रात में 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी आंधी चल सकती है। मंगलवार को अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 42 और 25 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है। वहीं झारखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश की वजह से तापमान में कमी आई है और राजधानी रांची और उसके आसपास के जिलों में हवा का प्रवाह है। 7 से 10 मई तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होने के आसार हैं। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का दौर जारी है। मेघालय के खासी जयंतिया पर्वतीय क्षेत्र में भारी बारिश के साथ आए तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मणिपुर में भी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने मेघालय में अगले 48 घंटे के लिए भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है। स्काईमेट वेदर के अनुसार गंगई पश्चिम बंगाल में 7 और 8 मई को अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिल सकती है। 7 से 9 मई के बीच पूर्वी बिहार के साथ साथ ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और दक्षिणी कर्नाटक में हल्की सी मध्यम बारिश हो सकती है। स्काईमेट वेदर के अनुसार मंगलवार को यानी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश के आसार है। वहीं पूर्वी और दक्षिणी मध्य प्रदेश, विदर्भ में अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है। अब बिहार में अगले 4 दिनों तक तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना है। प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बारिश से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नई।